हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और मैं आप सबको अपने चैनल नेहा शर्मा रियल ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो ये मॉर्निंग का वीडियो है, तो मैं अपने पतिदेव को खाना लंच में जो देती हूँ उसी की तैयारी कर रही हूँ। सुबह सुबह उठ करके मटर का निमोना, चावल और रोटी बनाऊँगी, तो उसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रोटी चावल की तो नहीं शेयर करूँगी, निमोना का रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि अभी सीजन चल रहा है। तो ये देखिए, चूल्हे पे मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ पतीले में, और ये मटर, लहसुन, धनिया, मिर्ची जो भी था मैं रात में ही साफ करके रख दी थी ताकि सुबह ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये देखिए, जो कटोरी में मैं धनिया और लहसुन और मिर्च निकाल रही हूँ उसका मैं चटनी बनाऊँगी निमोना में डालने के लिए। और ये मटर ज़्यादा था, 1.5 किलो साबुत मटर था, तो मैं उसको छील करके जो दाना था वही, तो मैं सबका नहीं बनाई थी, उतने में मुझे जितना लग रहा था सही उतना मैं और निकाल दी, और जितना मुझे बनाना था उतना को मैं इधर कटोरी में रख ले रही हूँ अलग। और मटर का निमोना बनाने के लिए फ्रेश मटर लीजिए, अभी तो ताज़ा मटर मिल रहा है फ्रेश, उसी मटर का बनाइए, काफ़ी स्वादिष्ट निमोना बनता है। और एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए एकदम सिंपल तरीके से। और ये 1.5 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है जिसको छील लेंगे और इसको भी पीसेंगे। तो इन सबको, मटर को बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, मोटा सा पीसना, बिना पानी के, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है पीसते समय, एक बूंद भी पानी इस्तेमाल नहीं होगा फ्रेंड्स। और मोटा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और इधर देखिए, पीसने उसने के बाद मैं रख दी हूँ, और इधर चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दी हूँ सरसों का तेल। अगर आप दूसरा तेल खाते हैं तो, अगर जब भी आप मटर का निमोना बना रहे हो तो प्लीज़ सरसों का तेल में ही बनाइएगा, इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और सरसों के तेल में मैं जीरा, तेजपत्ता और थोड़ा सा चुटकी भर हींग डाल दी हूँ। जैसे ही जीरा हमारा तड़क गया है तो मैं यहाँ पतले पतले स्लाइस में कटे हुए आलू, जो कि आलू काट कर धोकर मैं पहले ही रख दी थी, उसको डाल दूंगी कढ़ाई में। और आलू को एकदम अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इधर मेरा मटर भी पीस करके तैयार हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए ज़्यादा मोटा पीसा हुआ है, बारीक नहीं पीसा हुआ। इधर जो हरे धनिया की चटनी है वो भी पीस करके तैयार हो चुका है, और आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। जैसे आपका आलू एकदम ब्राउन कलर का हो जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो बस इसमें डाल दीजिए जो पीसा हुआ मटर है वो, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है मटर को आलू में ही। मटर थोड़ा सा चिपकेगा कढ़ाई में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही मटर अच्छे से भून जाएगा तो कढ़ाई में से चिपकना बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा, इसको भूनते रहिएगा। और आँच को मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज मत रखिएगा कि नीचे से जल जाए मटर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा दे रही हूँ कितने अच्छे से मटर भी भून करके तैयार हो चुका है। इसी तरीके से चम्मच की मदद से आप अंदर से जो भी मटर है आपका चिपक रहा है छुड़ाते जाइए, भूनते जाइए, और एकदम काफ़ी अच्छे से भून जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और जैसे ही हमारा मटर आलू अच्छे से भून जाए, चिपकना कढ़ाई में बंद हो जाए, तो बस हम हमारे घर में जो बेसिक से मसाले होते हैं किचन में वही वाले, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार मिर्च का पाउडर, क्योंकि हरा मिर्च हम मटर में भी पीसे हैं और चटनी में भी पीसे हैं तो इसीलिए, और 1 चम्मच धनिया पाउडर छोटा चम्मच से। और मसाले भी इसमें डालने के बाद 1 मिनट तक और भून लेना है अच्छे से, एकदम नज़दीक करके, मैं कैमरों को नज़दीक करके दिखा रही हूँ आपको ताकि बिल्कुल क्लियरली हर चीज़ समझ में आ जाए, और जो लोग कभी नहीं बनाया वो भी एकदम आराम से बना पाएंगे। और ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, आप चाहे रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं, पूड़ी पराठा, हम लोग तो सुबह के टाइम में मैं बनाई थी तो रोटी चावल के साथ लंच में भी मैं यही पैक करके दी थी, और रोटी चावल और निमोना। और जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से भून जाए तो हम जिसने हरे धनिया का चटनी तैयार किए हैं वो यहाँ पर डाल देंगे, और चटनी डालने के बाद फिर से 1 मिनट तक चला लेना है।
और बस सब चीज भूंज करके तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम पानी, जितना हमें ग्रेवी रखना है सब्जी में उतना ही उसी के अनुसार हम पानी डालेंगे अपने अनुसार। और पानी डालने के बाद ही इसमें डाल दीजिएगा नमक। नमक मैं पहले नहीं डाली थी क्योंकि हरा मटर होता है तो नमक डालने से पानी छोड़ देता है, इसलिए मैं नमक नहीं डाली हूँ, पानी डालने के बाद ही नमक डाली हूँ। तो आप अपने सब्जी के अनुसार नमक डाल दीजिए स्वाद के अनुसार, और जितने आपके फैमिली में मेम्बर हैं उसी के अनुसार जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डाल दीजिए। और इसको अच्छे से पका लेना है। और हाँ, गैस बंद करने से पहले एक बार आलू ज़रूर दबा करके चेक कीजिए कि हमारा आलू अच्छे से पका है या नहीं। ये देखिए मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ, और इसमें फिर से ऊपर से हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे फ्रेश, और थोड़े से गरम मसाला का पाउडर, और एकदम अच्छे से खौला लेना है, अच्छे से पका लेना है इसको। ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा पकने के बाद, ये देखिए। अगर आप बनाते हैं तो ये बच्चे भी आराम से खा लेंगे, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे नहीं खाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डाल दे रही हूँ। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप सब्सक्राइब करके मेरी मदद कर सकते हैं, और मेरे YouTube फैमिली के मेंबर में आप भी शामिल हो सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और ये देखिए हमारा निमोना भी बनकर तैयार है, चावल पहले ही बन चुका था, रोटी भी मैं बना ली। कितना अच्छा इसका लुक आया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मिलती हूँ एक नए अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।